10th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर करंट जो है फ्लो कैसे करता है और करंट का जो बेसिक प्रॉपर्टी कहाँ से आता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे आज। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज जो है किसी भी मैटर के अंदर का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके वजह से कोई भी मैटर जो है, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है या एग्जर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फोर्स जो है इसके ऊपर लगता है या खुद भी एग्जर्ट कर सकता है। ऐसा जो भी प्रॉपर्टी किसी मैटर के अंदर होगा तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जो क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। ठीक है, फील्ड कहने का अर्थ है, एक्चुअल में फील्ड ही है। ठीक है, फील्ड कहने का अर्थ है कि चार्जेज जो है जिसके वजह से किसी और दूसरे चार्ज के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जो है उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी आएगा उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा, चाहे तो अट्रैक्शन का फोर्स और चाहे तो रिपल्शन का फोर्स। ठीक है, अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्जेज के कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए हैं। और अगर चार्ज का बात करें तो चार्ज का एग्जांपल आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि अगर हम लोग जो है एक कॉम्ब को रब करते हैं अपने हेयर पे, ठीक है, तब क्या करता है कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जब हमने रब किया अपने हेयर पे इस कॉम्ब को, तो रब करने की वजह से जो है आपका चार्ज का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अपने कॉम से। लेकिन जो हम लोगों ने कागज का टुकड़ा जो है उसको जो फाड़ के छोटा छोटा किया उससे कोई चार्ज नहीं है फिर भी। ठीक है, जो चार्जेस जो है आपका कॉम के ऊपर आया है उसके वजह से इंड्यूस होगा उस कागज के टुकड़े के ऊपर भी चार्ज, और क्या होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से कागज का टुकड़ा चिपक जाता है। तो ये चार्जेस जो है होते क्या है, तो हर बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में होता है तो आगे हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में। ठीक है, एटम के अंदर पाया जाता है और इसी का ट्रांसफर होता है। इसका ट्रांसफर का मतलब है केवल जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ही एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर कर सकता है या दूसरे मैटर पर ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, और इतना ज़्यादा ये फोर्स जो है मजबूती से पकड़े रखता है कि ये जो है ना ही न्यूट्रॉन और ना ही प्रोटॉन यहाँ से निकल सकते हैं। तो मूव केवल कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही जो है मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। चार्जेस का बात करें तो चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। तो चार्ज जो है एक जैसा चार्ज, यानी कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होगा या दोनों नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे को दूर धकेलेगा। और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं यानी कि डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्जेस का होने का अर्थ है कि पोलरिटी डिफरेंट। पोलरिटी का मतलब एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, या वाइस वर्सा, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है। तो वैसे जो चार्जेज है अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपने तरफ खींचते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखें कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का है वो क्या होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। यानी कि ना ही चार्ज का, ठीक है, निर्माण होगा ना ही चार्ज को भी डिस्ट्रॉय होगा। तो चार्ज जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि अगर हम जो है दो अलग अलग जो है मैटर ले रहे हैं, दोनों मैटर को एक दूसरे के ऊपर लग कर रहे हैं, तो टोटल जो चार्ज है दोनों मैटर के ऊपर, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो सेम रहेगा। हाँ, एक में से चार्ज अगर जाएगा तो दूसरे में चार्ज ज्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसफर होगा आपके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म के कहने का अर्थ है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसा ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं
नहीं, जब भी ट्रांसफर होगा चार्ज तो पूरा का पूरा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से जो है चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसी को रिप्रेजेंट किया गया है क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, एन जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन है, यानी और एन का वैल्यू जब भी होगा तो एन का वैल्यू होगा आपका 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है। यानी एन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। यानी कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं, कभी हाफ नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का, कोई हिस्सा ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। और इसी को कहते हैं चार्ज का क्वांटिजेशन, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अगर उस पर हम लोग पोलरिटी का बात करें तो इस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन बनाने में। और जैसे कि किसी भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो यहाँ भी जो है अपने चार्ज को हम लोग मेजर करने के लिए SI यूनिट हम लोग के पास है, और वो SI यूनिट है कूलम। यानी कि चार्ज को हम लोग मेजर कर सकते हैं कूलम में। अब एटम का बात करें, आखिर ये चार्ज ठीक है होता कहाँ है? तो चार्ज जो होता है किसी भी एटम को देखें तो वो एटम जो है आपका उसमें जो सेंटर है, सेंटर को जो है कहते हैं बहुत छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियस कहा गया है। और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, वही जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रह सकते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में जो है आपको क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, बीच में जो है केवल क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट में ठीक है चक्कर लगाता रहेगा। और प्रोटॉन पे जो है आपका चार्ज होता है पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो चार्ज केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास जो मटेरियल का बात करते हैं, तो मटेरियल जो है टोटल 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, मतलब कंडक्शन के आधार पर अगर देखें तो आप मैटर को जो है 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे हम लोग इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन पाया भी जाएगा तो बहुत कम पाया जाएगा, जिसके वजह से जो है उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है। करंट हम लोग आगे देखेंगे कि करंट किसको कहेंगे। वैसे करंट को अगर देखें तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अगर फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, किसी खास डायरेक्शन में, तभी जो है हम लोग उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। अब यहाँ जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ही नहीं, या बहुत कम है, और इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकता है, क्योंकि आपने देखा है, आपको मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं और ये फिक्स होते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। मूव करने के लिए बचा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ही नहीं, या इलेक्ट्रॉन है भी तो फ्री बहुत कम है। इस केस में जो है जब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते हैं उसको इंसुलेटर कहेंगे। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इंसुलेटर कहलाएंगे। सेकेंड जो आपका मैटर का अगर कैटेगरी में बांटे तो वो कंडक्टर कहलाएगा। तो ऐसे सारे के सारे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट फ्लो करता हो, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा इसलिए कि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, फ्लो करता है किसी खास डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। जैसे कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, ये सारे के सारे जो हैं क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। ठीक है, इंसुलेटर में जो है अगर जैसे जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे इंसुलेटर कहलाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे एक है, ग्रेफाइट इंसुलेटर होने, सॉरी, नॉन मेटल होने के बावजूद भी जो है उसमें करंट फ्लो करता है, तो वो इंसुलेटर नहीं है बल्कि कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी, ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब उसमें जो है करेक्टर कंडक्टर से
करंट के बारे में अगर बात करें तो करंट के फ्लो के लिए आपका जो कंडक्टिविटी होगा ठीक है, वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा पाया जाएगा। मतलब कि सेमी कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस है जिसमें किसी खास टेम्परेचर पे ठीक है, किसी खास वोल्टेज पे करंट फ्लो करता है, अदरवाइज इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में डिटेल में। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया ठीक है, सिलिकन हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेमोरीज और जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब करंट का बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग अगर बात करते हैं तो जैसा कि आपने फ्लो देखा है ठीक है, करंट फ्लो करता है किस चीज़ में, तो एयर का भी करंट आपने सुना है, वाटर का भी करंट, वाटर भी मूव करता है तो उसको हम लोग करंट कहते हैं ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जो है, अगर चार्ज मूव करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो वहाँ फ्लो हो रहा है या तो पानी फ्लो हो रहा है या तो एयर फ्लो हो रहा है, तो उसको एयर करंट या वाटर करंट कह रहे हैं। यहाँ पे फ्लो क्या करेगा, तो यहाँ चार्ज अगर फ्लो करेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर किसी भी मेटल को लें तो क्या मेटल में करंट फ्लो करने लगेगा अपने आप? तो मेटल को ऐसे ही रख दे तो उसमें करंट फ्लो करेगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें करंट फ्लो करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसा कि हम लोग पानी का बात करें, तो पानी को अगर हम लोग वाटर को अगर सेम लेवल पर रखें ठीक है, एक पाइप लें, पाइप में वाटर को सेम लेवल पे ठीक है भर दें, दोनों एंड को सेम लेवल पे उठा लें, अब क्या होगा कि पानी फ्लो नहीं करेगा। पानी फ्लो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि दोनों का जो है हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो क्लास 9 में आपने पढ़ा है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, यानी एक का हाइट ज़्यादा एक का हाइट कम नहीं होगा, तब तक जो है पानी भी फ्लो नहीं करेगा, वाटर भी फ्लो नहीं करेगा ठीक है। और जितना ज़्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतना तेज़ी से पानी फ्लो करेगा। जैसे अगर वाटर टैंक जो है किसी हाइट पर रखा हुआ है, यानी थर्ड फ्लोर पर रखा हुआ है, और आप फर्स्ट फ्लोर पर वाटर का टैप खोलेंगे तो बहुत तेज़ी से पानी गिरेगा। और थर्ड फ्लोर पे ही अगर पानी का जो है वाटर टैप अगर खोलते हैं तो वहाँ से पानी का जो है फ्लो स्लो होगा। और अगर आप जो है वाटर का टैप जितने हाइट पे टैंक है वाटर का उतने हाइट पर रखते हैं तो पानी फ्लो ही नहीं करेगा। सिमिलरली वैसा ही जो है यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में भी हम लोग देखें कि कोई भी कंडक्टर अगर लेते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर उधर घूमता रहेगा, एक दूसरे से जो है टकराता रहेगा, और इससे कोई भी करंट तो कंस्टिट्यूट होगा लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में, और सारा करंट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी टोटल जो करंट अगर देखा जाए नेट करंट वो ज़ीरो हो जाएगा ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी जो है करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं, जब तक कि जैसा कि वाटर में हमने देखा कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का, वैसे ही दोनों एंड पे किसी कंडक्टर के दोनों एंड पे जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल को हम लोग जनरेट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें बैटरी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ बैटरी अप्लाई किया गया ठीक है। जैसे ही बैटरी अप्लाई करते हैं तो बैटरी का दो एंड, दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, एक टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा कि सारा का सारा जो है किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज है तो ऑब्वियसली है कि प्लस चार्ज के तरफ जो है मूव करना शुरू करेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किए हैं किसी एक डायरेक्शन में ठीक है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर के अंदर देखें, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन जो है आपका निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन करंट का डायरेक्शन जो है, जो हम लोग को कन्वेंशनल हम लोग जो मानते हैं ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट होगा, यानी करंट का डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही जो है आपका करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जो है चार्ज लिखना, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखना तो गलत हो जाएगा, हम लोग कह दें कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कह देंगे,
ये इलेक्ट्रिक करंट कह देंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं यानी कि मतलब पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज तो सबसे पहले हमने बता दिया कि प्रोटॉन तो जो है मूव नहीं कर सकता है आपके न्यूक्लियस से, फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी एटम के अंदर बात करें तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है कोई मेटल, जैसे सोडियम है, सोडियम के ठीक है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा तो वो बन जाएगा Na+। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है चार्ज आपका क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये चार्ज अगर फ्लो करेगा तो ये चार्ज के फ्लो की वजह से भी तो करंट कंस्टिट्यूट होगा, करंट बनेगा। तो इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं प्रोटोन मूव नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो आपका एटम जो कि चार्ज हो चुका है वो मूव कर रहा है, इसके फ्लो की वजह से भी जो है क्या होगा, करंट कंस्टिट्यूट होगा। इसलिए हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं बल्कि चार्ज के फ्लो को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ आयनिक एटम जो आयन के फॉर्म रूप में जो है फॉर्म कर चुका है, और इस तरह से जो है हम लोग का करंट कंस्टिट्यूट होगा। अब करंट को हम लोग डिफाइन एक तरीके से और कर सकते हैं कि करंट को कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो कर जाएगा किसी खास क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर का है ठीक है, और यहाँ से जो है आपके नंबर ऑफ चार्जेस जितने भी फ्लो कर रहे हैं, क्यू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और टाइम इसको फ्लो करने में कितना लगा, टी टाइम लगा क्यू चार्जेस को फ्लो करने में। तो हम लोग का जो करंट होगा वो होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो कि हम लोग का यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे आई जो है आपका करंट होगा, क्यू जो है टोटल नंबर ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का कितना वैल्यू है जो फ्लो कर रहा है, और टी जो है कितना समय, कितना टाइम हम लोग का लगा है उस चार्ज को फ्लो करने में। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ऐसा यूनिट का बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने चार्ज को मीजर किया है आपका कूलम्ब में, वैसे ही करंट को भी मेजर करने के लिए हम लोग के पास ऐसा यूनिट है। ठीक है, चार्ज को मेजर करते हैं हम लोग कूलम्ब और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो एक ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर, तो हो गई एम्पियर में मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि कूलम्ब पर सेकेंड भी आपका इसका ऐसा यूनिट होगा। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर भी होता है, एम्पियर में मेजर करते हैं, या फिर कूलम्ब पर सेकेंड में मेजर करते हैं, जैसा कि फॉर्मूला से आप देख रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग वन एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वन एम्पियर करंट उस करंट को कहेंगे किसी भी कंडक्टर से जब वन कूलम का चार्ज किसी भी वायर से अगर वन सेकेंड में फ्लो कर जाता है, वन कूलम का चार्ज वन सेकेंड में फ्लो कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए वन कूलम का चार्ज वन सेकेंड में फ्लो किया, तो दोनों जो है इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, वन एम्पियर। तो करंट कहेंगे हम लोग वन एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें आज अभी यहीं तक, नेक्स्ट जो है लेक्चर में आगे हम लोग कवर करेंगे।